Yeah. Assalamualaikum everyone, welcome back to your own channel and this is your former mom. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेडिसिन का रिव्यू और मैं उसको अनपैक करूँगी आपको उसकी डोज के बारे में और उसकी कंप्लीट जो उसकी डिटेल्स हैं वो डिस्क्राइब करूँगी. इंशाल्लाह ताला ये हेल्प आउट होगा फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए. तो चलते हैं, सबसे पहले हम जो आज मेडिसिन की बात कर रहे हैं उसका नाम है डी मैक्स. ये विटामिन D3 है, ये ड्रॉप्स की फॉर्म में है बच्चों के लिए. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन डी क्या चीज़ है. विटामिन डी एक विटामिन है जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये उनकी बोन की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ टीथिंग में भी उनको बहुत हेल्प आउट करता है. विटामिन डी जो है बच्चों के मूड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अक्सर बात जो बच्चे थके थके रहते हैं उनके मूड सही नहीं रहता और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स शो करते हैं, उन बच्चों के लिए भी विटामिन डी बहुत ही ज़रूरी है. विटामिन डी जो है वो बच्चों में जो पैदाइश के वक्त एक कतरा इसकी क्वांटिटी है और उसके बाद जब उनकी उम्र 12 महीने से 24 महीने हो जाए तो उसके लिए हम 2 कतरे बच्चों को डिस्पेंस करने की एडवाइस करते हैं. विटामिन डी जो कि जो सोर्स नेचुरली है वो है सन. आपकी जो जब आप बच्चे का एक्सपोजर उसकी स्किन का एक्सपोजर सन के साथ होता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का वेदर इतना ज़्यादा हार्श होता है, गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी होती है, तो हम अवॉइड करते हैं कि अपने बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ ना कराएं और उनको बाहर ना निकालें ताकि उनको सनबर्न से बचाया जा सके. तो हम उनको बाहर नहीं निकालते, उसकी वजह से उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है. पाकिस्तान में लोगों जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. तकरीबन हर 10 में से 9वां बंदा जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है. इसमें बच्चों के कई सिम्टम हैं, बच्चों में थकावट का होना, उनके मूड स्विंग्स आना, उनके हड्डियों में दर्द रहना और इवन के जो विटामिन डी है उसका अगर प्रॉपर अमाउंट बॉडी में मौजूद ना हो तो बच्चे का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपर काम नहीं करता. विटामिन डी हेल्प करता है बोन्स को बेहतर करने के लिए, इसके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट अप करता है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बचाता है और बच्चों के मूड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालता है. तो आप भी अपने बच्चों को विटामिन डी का जो सोर्स है, अगर आप उनको प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं दे रहे, जैसे कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो धूप प्रॉपर होगी भी नहीं जिसकी वजह से विटामिन डी की अमाउंट कम हो जाती है और बच्चों की अक्सर का बैलेंस डाइट भी नहीं होती. अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में आपको विटामिन डी की जो सोर्स है वो मार्जरीन है, बटर्स हैं, फिश है. लेकिन अगर आपके बच्चे इस तरह की डाइट नहीं खाते या वो बैलेंस डाइट नहीं खाते तो आपको विटामिन डी ओरली उनको देना पड़ेगा और वो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं. मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे डी मैक्स के ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ, जबकि पहले मैं यूज़ करती थी ओरा डी के ड्रॉप्स. लेकिन उसकी जो डिस्पेंसिंग थी वो थोड़ी सी मुश्किल थी, इसकी जो डिस्पेंसिंग है वो थोड़ी सी आसान है. तो मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ. ये देखिए मैंने इसको अनपैक कर लिया, ये इसमें से एक बॉटल निकली है, उसके साथ साथ इसका ये एक ड्रॉपर है. ये इसके अंदर जो ड्रॉपर मौजूद है ये इसके डिलीवरी सिस्टम को बहुत बेहतर बनाता है. ये आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर इसलिए होता है कि एक अमाउंट जो है वो बच्चे के अंदर जा सके. इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको आपने डिस्पेंस करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसको खोलना है. ये देखिए ये आपने इसको खोल लिया. इसको खोलने के बाद आपने इसके ऊपर जो एयर टाइट ये कैप है इस आप देख सकते हैं कि ये मैंने रिमूव कर दिया है. ये आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं. इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी अमाउंट है 10 ml. 10 ml में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप्स होते हैं. ये आपने इसको अच्छे तरीके से बंद कर लिया है. अब जब आपने बच्चे को ये डिस्पेंस करना है तो आप जस्ट इसके या आप देखें ये इसका डिस्पेंस सिस्टम. ये अब आप देखें कि आपने बच्चे को डिस्पेंस करना है तो आपने इसको प्रेस करना है. ये 2 ड्रॉप्स आपने लिए, आपने ये बच्चे को दे देने हैं.
ये जो मैंने डोज बताई है 2 ड्रॉप्स, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी उम्र 12 महीने से ज़्यादा है। उससे कम बच्चों के लिए आपने इस्तेमाल करने हैं 1 कतरा, और पैदाइश से भी अगर बच्चे न्यू बॉर्न हैं तो आपने उनके लिए भी 1 कतरा इस्तेमाल करना है। इवन ये जो है ड्रॉप्स हेल्प करते हैं उन बच्चों के लिए जो जॉन्डस का शिकार होते हैं पैदाइशी तरीके से, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोई भी मसला हो, आपको डोज की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। शुक्रिया।